शिक्षा ही है उज्जवल भविष्य का आधार। अपने बच्चों को दे सही दिशा, आज ही एडमिशन कराएं कालपी का सबसे विश्वसनीय स्कूल दयानंद बाल विद्या मंदिर। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण, जहां बच्चों को मिलता है बेहतरीन वातावरण, यहां हम उनके मानसिक विकास के साथ उनके शारीरिक विकास पर भी देते हैं विशेष ध्यान। दयानंद बाल विद्या मंदिर कालपी जालौन। जनपद जालौन के दो दिवसीय दौरे पर पहुंची जिले की नोडल अधिकारी और उत्तर प्रदेश की महानिरीक्षण निबंधन ने कालपी के हाथ कागज उद्योग का निरीक्षण किया। शनिवार को जिले के दो दिन के दौरे पर आई जिले की नोडल अधिकारी महानिरीक्षक निबंधन मिनिस्ट्री एस ने उप जिलाधिकारी सतीश चंद्र बखादी ग्रामोद्योग के अधिकारियों के साथ एक कागज फैक्ट्री का निरीक्षण किया। फैक्ट्री मालिकों ने बताया कि हम लोगों के द्वारा जो कागज बनाया जाता है उसका लाभ हम लोगों को नहीं मिल पाता, क्योंकि हम लोग स्वयं उद्यमी होकर बिचौलिया बने हुए हैं, अतः हम लोगों को सीधे बाजार से जोड़ा जाए व कागज पर लगाया जाने वाला टैक्स भी हटाया जाए। फैक्ट्री में उन्होंने महिला मजदूर से कागज निर्माण व उसके मासिक वेतन के बारे में भी बात की। समिति के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र तिवारी व सीताराम गुप्ता ने अधिकारियों को कागज बनाते हुए दिखाया। व्यापारियों ने नोडल अधिकारी से विद्युत आपूर्ति ठीक तरीके से ना मिलने की भी शिकायत की। इन लोगों को हमने अपना ज्ञापन दिया है जिसमें प्रमुख मांग थी बिजली में सब्सिडी, हमारा बना हुआ प्रोडक्ट सरकार सीधे खरीदे, GST समाप्त किया जाए, कभी नहीं लगा था। ये तीन चार प्रमुख मांगे थी, उनको दिए। इन्होंने ये कहा है कि हम अब शासन को अपनी रिपोर्ट बना के भेजेंगे। कागज उद्यमियों ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद के लिए कालपी के हाथ कागज का चयन होने के बाद भी पिछले 6 माह से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है। कागज उद्यमियों ने अपनी मांगों को लेकर नोडल अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। सरकार द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पन्न वाला एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम में चयन की है। हैंडमेड जो पेपर ये है, इनके लिए क्या क्या सरकारी सुविधाएं हम दे पाएंगे? जैसे मैडम, इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या थी विद्युत की, विद्युत में लोगों को क्या रियायत मिलेगी? जैसे इन लोगों का अभी पॉलिसी कम्प्लीटली अभी बनाया नहीं है, हर इंडस्ट्री का अपनी जरूरत है। तो मेरे ख्याल में बहुत जल्दी इसके लिए प्रोफेशनल कंसल्टेंट आ करके वो अपना फील्ड रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। न्यूज़ बीके के लिए कालपी से शिवांग शुक्ला की रिपोर्ट।